मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं आज से दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। गुड, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आपने मेरे घर में इतना सारा सामान क्यों भिजवाया? कौन सी चीज़ है? वो फ्रिज और माइक्रोवेव, हाँ, वो तो आपको जरूरत थी ना उन चीजों की। लेकिन फिर भी फिर भी क्या बोल रहे, आपके भाई से वादा किया है मैंने। हाँ, आपकी भाई से बात हुई है? जी हुई थी कुलजे। आपकी जो भी जरूरतें होंगी कंपनी उसका ख्याल रखेगी पूरी तरीके से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी नौकरी अपनी जगह, लेकिन हमारा वादा एक जगह। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ठीक है? चलते। मैं खुद दरवाजा खोल सकती थी तबीयत साहब। कोई बात नहीं, मैंने खोल दिया आपका। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है, अगर दिमाग भी इतना तेज चलता तो तुम्हारी काबिलियत देख के लोग अपनी बेटी देने पे राजी हो जाते। हर वक्त पैसा पैसा पैसा, इख्तदार, पावर, चोर नहीं सोचता आपको उसके अलावा। तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अम्मी, ये जो सारे जमाने में अय्याशियां करते फिर रहे हो, शाह साहब जिंदा होते तो कभी भी नहीं कर सकते थे। शाह साहब अगर जिंदा होते तो उनके दुश्मन जमाल साहब की बेटी से निकाह होने देते? मेरा उठा पाती हैं आप ये कदम? नहीं ना, उनके मरने का ना फायदा हर कोई उठा दे। हर कोई मुझे क्यों कटपड़े में खड़ा करता है? क्या सफाई वगैरह हो रही है क्या? अरे एक मिनट, देख, ये तो मेरी बनाई हुई ड्राइंग्स हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो ना कितनी प्यारी हैं। मैं तो कह ही रही थी इनसे कि दिमाग खराब हो गया, इतने गंद में रखा हुआ है, संभाल के रखनी चाहिए। ये यहाँ पे रखो। ये बचपन में बनाई थी मैंने, देखिए 5th grade में बनाई थी। बहुत प्यारी चीजें हैं, देखो मैं पूरा तुम्हारा बॉक्स जो है ना ये संभाल के रखूंगी। वाओ, ये दीजिए, मैं अपने पास रख लेता हूँ अपने कमरे में। नहीं चांद, तुम्हारी चीजों के लिए तो जगह ही जगह है, ये मैं पूरा बॉक्स जो है संभाल के साफ करके रखवाऊंगी, बिल्कुल खराब नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन माँ जैसी तो हूँ ना। इतनी प्यारी यादें हैं तुम्हारी, रखो उसके। थैंक यू सो मच। चले रखे, मुझे निकलना है। Okay. रेहाना बीबी की चीजें, इनको संभाल के रखना अच्छी तरह, खबरदार कुछ खराब हुआ तो। थैंक यू, खुदाफिज। खुदाफिज। तुम्हें किचन में काम नहीं?
ना बहुत कहते थे, उस वक्त ये बातें मुझे समझ ही नहीं आती थी। इट्स नेवर टू लेट, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर हैं? शोर की आवाज आ रही है। मैं भी बाहर आया हुआ हूँ, ऐसा करते हैं बाद में बात करते हैं। मैं भी बाहर आया हुआ हूँ, ऐसा करते हैं बाद में बात करते हैं। बाय। किसे ढूंढ रही हैं? किसी को भी नहीं? अच्छा, मुझे तो लगा था यहाँ शराम साहब भी आएंगे। हाँ तो आएंगे। वो यहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ तो छोटे लोग आते हैं, वो नहीं आ सकते। शराम साहब के लिए कोई भी छोटा मोटा नहीं है, ऐसे नहीं है वो। ज़रूर देर हो गई होगी, किसी काम में फंस गए होंगे। अब जानती हो जब मुझे भी देर हो जाती थी ना क्लास के लिए, तो वो धूप में खड़े होके बच्चों के साथ पढ़ाया करते थे उन्हें। तुम्हें लगता है ऐसे शख्स के लिए कुछ अमीर और गरीब में फ़र्क होता होगा? आ गए तो आ जाएं, मैं क्या करूं? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई आप? आप नहीं, वो मैं इसे कह रही थी, बस आप आते ही होंगे। मैं आती हूँ। कैसी है? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मैं आइसक्रीम का पूछ रहा था, कैसी है? आई एम सॉरी, बहुत शोर इतना है ना, मुझे लगा कि आप भी ट्राई करें। अरे नहीं, आप खाइए प्लीज, आप खाइए। आपको पता है लोग कहते हैं कि सही प्यार करने वाला और सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त आपके साथ साथ रहे और आपके सामने आपकी तारीफें करता रहे। मुझे लगता है ऐसा नहीं, सच्चा दोस्त वो होता है जो पीठ पीछे आपकी हिफाजत करे, जैसे आपने की और आप करती रही हैं हमेशा। थैंक यू। हिफाजत तो आपने भी की है मेरी कई जगह, बस आप जानते नहीं हैं। जानना चाहता हूँ, वक्त आने पर बता दूंगी, जब आप मेरा नाम बताएंगे तब। Excuse me. तो ठीक है आप? हाँ, तबीयत नहीं ठीक लग रही है आपकी? हाँ तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, मुझे घर जाना चाहिए। अच्छा रुके, मैं शराम को ढूंढती हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे क्या हाल है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, मेले से आ रहे हो? जलेबियाँ। वाह क्या बात है अब्दुल, तुम्हारी बड़ा तुम शराम भाई के साथ घूम रहे हो। हाँ स्कूल जाना, मेले में जाना, जॉगिंग पे जाना, मैं तो तुम्हें कदरे बेटर समझ रहा था। और क्या करूं,
आपकी तरह शादीशुदा लोगों की थोड़ी पीछे भागूंगा। दुनिया तुम्हारी जगह किसी और ने बात बोली होती ना, फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता। तुमका मसला क्या है यार, हर चीज को इतना दुश्मनी और नेगेटिविटी के जावी से देखना जरूरी होता? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है अब्दुल। शराम भाई की सोबत में तुम्हें पता नहीं लगी ये बात? सिखाया नहीं उन्होंने तुम्हें? दुनिया तो ऐसी चलती, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, इसमें नेगेटिविटी की क्या बात आ गई? तो ब्रेस भाई आप भी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हो, लेकिन मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना। दुल मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? शराम की तरह मैं तो नहीं तुम्हें जलील करता फिरता जैसे वो मुझे करता है जब उसको मौका मिले। किया कभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं बोलो। आपने कभी सोचा है कि लोग जो आपके बारे में कहते हैं शायद आप यही डिजर्व करते हो? हाँ अब्दुल मैं सोचता हूँ इस बारे में, बहुत सोचता हूँ, शायद सही कहती है दुनिया। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरा छोटा भाई आगे मुझे इस तरह बोले। शराम भाई भी आपके भाई हैं, आप उनके बारे में ऐसे ही बोलते हो? क्या हो गया अब्दुल तुम्हें? तुम जिस तरीके से शराम भाई को देखते हो ना, और मैं देखता हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो अच्छाई का लिबादा ओढ़े घूमता है वो सबके सामने, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसके अंदर असली इंसान कौन है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बस तबरेज भाई, आइंदा मेरे सामने शहराम भाई की कोई बुराई मत कीजिएगा। भी ले जाके अपने शहराम भाई को खिलाओ, इतने सगे हो गए हैं तुम्हारे। आपके लिए लाया था, खुद खा लीजिएगा। ये तुम बड़ी नई लेकर आए हो, शहराम भाई शहराम भाई शहराम भाई। का आखिर आ गया है तो देखना, जिस जिस घर भी हमारी तरफ से राशन जाता था वहां लाजमी पहुंचना। और मोइन मीटिंग करना चाह रहा था, उसको यहीं बुला लेना। जी मोइन साहब को ही बुला लूंगा। ये क्या है? ये बेगम साहिबा ने फेंकने के लिए सारा सामान निकाला था, इसलिए यहाँ रख दिया। ठीक है तुम जा सकते हो। जी बेहतर।